आपके साथ। कोलकाता के आजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 9 अगस्त को हुए ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद AIIMS के डॉक्टरों ने 11 दिन से चल रही हड़ताल खत्म कर दी है। इससे पहले CJI ने कहा था कि डॉक्टर काम पर लौट आए, अस्पतालों की स्थिति जानता हूँ, मैं खुद एक सरकारी अस्पताल के फर्श पर सोया हूँ जब मेरे परिवार का एक सदस्य बीमार था, वापस आने के बाद आप पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। CJI ने कहा कि हमें बताया गया कि डॉक्टर काम पर वापस जाने के लिए तैयार हैं। राज्य सरकारें डॉक्टरों के लिए कुछ सुरक्षा इंतजाम कर सकती है। हम केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय निर्देश देते हैं कि वे राज्य के मुख्य सचिवों और DGP के साथ मिलकर सुरक्षा सुनिश्चित करें। यह एक्सरसाइज एक हफ्ते में पूरी होनी चाहिए, राज्य 2 हफ्ते के अंदर इसे लागू करें। सुनवाई के दौरान CBI ने कोर्ट में कहा, क्राइम सीन से छेड़छाड़ हुई है। जस्टिस JB पारदीवाला ने कहा, कोलकाता पुलिस की भूमिका पर संदेह है, जांच में ऐसी लापरवाही अपने 30 साल के करियर में नहीं देखी। मामले में अगली सुनवाई 5 सितंबर को होगी। इसी के साथ बने रहे एशियन न्यूज़ इंडिया के साथ।